बढ़ते आगे, यूपी के बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। मासूमों को आदमखोर भेड़िए उठा ले जाते हैं, ये भेड़िए सिर खा जाते हैं और धड़ छोड़ जाते हैं। भेड़िए 9 लोगों को अभी तक अपना निवाला बना चुके हैं, लिहाजा प्रशासन एक्शन में है। 200 कर्मचारी, 3 ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसमें भेड़िए एक खेत में नजर आ रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए लोहे के जाल लाए गए हैं, खेत के चारों तरफ नेट लगाया गया है। भेड़िए से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना भी पहुंचे और कहा भेड़िए जल्द पकड़े जाएंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह तो बंदूक लेकर दिन रात पहरा दे रहे हैं, लेकिन बहराइच के महसी तहसील के हरदी और खेरी खाट इलाके में बीते 1.5 महीने से आदमखोर भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। इनके हमले में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, जिसमें ये भेड़िए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आदमखोर ये भेड़िए हैं जो कि अभी तक 9 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये भेड़िए जो हैं, जब अपना शिकार करते हैं तो उस वक्त इंसान का केवल सिर ये खाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बाकी का जो धड़ है वो छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे 9 मामले सामने आए हैं अभी तक और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं इस पूरे उस इलाके में घायल बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इन भेड़ियों ने अटैक किया था। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ वो तस्वीर है जहां से ड्रोन से देखा गया है इन भेड़ियों को आसपास के जंगली एरिया से निकलते हुए, दूसरी तरफ की ये तस्वीर है जहां पर चारों तरफ उस एरिया के नेट लगा दिया गया है और इनको पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और हालांकि पूरा जो इलाका है वहाँ का रिहायशी इलाका, उसमें दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 9 लोगों के अभी तक ये भेड़िए जान ले चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। ऐसे में चिंता काफ़ी वहाँ पर प्रशासन की भी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। लगातार इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको कैच करने के लिए, देखने के लिए, नज़र बनाने के लिए, इन्हें ट्रैक करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ लगी नहीं है। बहराइच में ये भेड़ियों को लेकर ऑपरेशन खासा चलाया जा रहा है। 4 भेड़ियों के आतंक की खबर है, 35 गांव में दहशत का माहौल है। सोचिएगा जरा, 35 गांव जहां पर इन भेड़ियों के दहशत देखी जा रही है। 9 लोगों को अभी तक अपना शिकार ये लोग बना चुके हैं और साथ ही साथ 50 से ज्यादा लोगों को इन भेड़ियों ने अभी तक घायल कर दिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर भेड़िया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इन भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। पिंजरा लगाया गया है, जाल बिछाए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से कामयाबी फिलहाल हाथ नहीं लगी है। 35 गांव में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, अपने घरों से बाहर निकलते वक्त लोगों के अंदर डर देखा जा रहा है, क्योंकि किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि कब कहाँ से भेड़िया आ जाए और किस कदर अटैक कर दे। क्योंकि जब 9 लोगों के ऊपर अटैक किया गया तो कुछ मामले ऐसे ही थे, अचानक ये भेड़िए जो कि घात लगाए बैठे होते हैं गांव के इलाकों में छिपकर और अचानक से अटैक कर देते हैं। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है बहराइच में। देखिए कैसे 35 गांव में भेड़ियों के आतंक के बाद पुलिस अनाउंस कर लोगों को सतर्क रहने के लिए सजग कर रही है और लोगों से लगातार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहिए, सतर्क रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। अपनी सुरक्षा की गई, फिर भी उसे कुछ चोटें आई हैं, इसलिए आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। पक्षी भेड़िए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है, गन्ने के खेत के किनारे किनारे जाल लगा दिया गया है, पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट आकाशदीप बधावन जी हैं जो लगातार पूरे टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या अपडेट है अभी और किस क्या लग रहा है कि कब तक पकड़ जाएगा? इसी स्ट्रेच में जो आप अभी बगल में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का स्ट्रेच काफ़ी एक्सपैंड है, काफ़ी वास्ट है, हमने टोटल अभी जो इस पर चेक किया है सुबह कम से कम 600 हेक्टेयर से ऊपर का जो गन्ने का स्ट्रेच है उसको अभी हमने स्वीप कर लिया हुआ है। आफ्टरनून में हमें दिखा था, वहाँ पे हमने एक ऑपरेशन भी चलाया, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी, बट वो क्योंकि बड़ा उससे है, उससे निकल के थोड़ा इधर पे चला गया है। और अब हम वाटर बॉडीज जो हैं, जो पानी वाले जो है, उसके बगल का जो एरिया उसे ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका फेवरेट एक पाथ है, हमने ऑब्जर्व किया जहाँ पे वो चलता है, तो अभी उसके ऊपर ट्रैकिंग चल रही है। तो हम क्या उम्मीद करें कि जल्द ही सफलता हाथ लग जाएगी? हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, आप लोगों की बेस्ट विशेष के साथ इसको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये है आकाशदीप बधावन जो लगातार
चार दिनों से इस प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द ये नरभक्षी भेड़िया पकड़ा जाए, और पूरा इनका प्रयास है जिस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है ये भेड़िया जल्द ही पिंजरे में कैद होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। नरभक्षी भेड़िया की वजह से 34 गांव ही नहीं बल्कि अब तो 50 गांव आतंकित हो चुके हैं। ये मेरे साथ देखिए ये गांव के लोग हैं, और मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग लगातार आप समूह बना करके घर से बाहर निकल रहे हैं, और इनके मन के अंदर एक डर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भेड़िया एक के बाद एक मासूम बच्चों पर हमला कर रहा है, उसको लेकर के ये डरे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊं कि देखिए अभी ये भेड़िए का पगमार्ग है, देखिए ये भेड़िए का पगमार्ग है, और कहीं ना कहीं भेड़िया रात में भी आया है। दूसरा पगमार्ग देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भेड़िया यहाँ पर आया है। इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि भेड़िए की जो दस्तक है अभी भी इन गांव में है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताइए कि भेड़िए को लेकर के आप लोग के मन में काफी दहशत होगा। बहुत सारा डर लगा है भेड़िया को लेकर के, जगह जगह पे मार रहा है, काट रहा है लोगों को, और दिन प्रतिदिन ऐसी समस्याएं आती जाती हैं। और अभी भी रात में अटैक किया है गाँव में, लेकिन लोग जागरूक थे इसलिए किसी को मार नहीं पाया, हादसे से बच गया। और हमारे यहाँ क्षेत्र में जो माननीय विधायक जी हैं, DM हैं, SP हैं, कप्तान हैं, हर कोई मतलब अपने काम में लगा हुआ है, और मतलब उसको पकड़ने का भर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है पकड़ने की। वन विभाग तो ये कह रहा है कि अभी तक जो है केवल 5 लोगों को ही भेड़िया मारा है, क्या लगता है कि कितने लोगों को भेड़िया मारा है? मैंने 5 नहीं 8 मारा है। 8 मारा जी। और घायल कितने होंगे? घायल 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर जी। ये बताइए कि कितने बजे भेड़िया आता है? आप तो गांव के रहने वाले हैं। सर जो आज रात में आया ये ठीक 12 बजे आया, लेकिन वो फिर जगता था जी। औरत उसकी बाहर गई थी मैदान करने, तब तक दरवाजा खुला था, वो अंदर हो गया। वो वापस जब आया वो भेड़िए को देखा और शोर मचाया, इसके बाद में गांव में हंगामा हुआ, और फिर जब सब लाठी डंडा लेकर इकट्ठा हुए तब तक वो निकल कर भाग गया। बगल में गन्ना था, वो गन्ना में घुस गया। ये बताइए कि आप लोग कैसे, मतलब जब आप लोग चलते हैं रात में या दिन में, तो कैसे चल रहे हैं? लाठी डंडा से चलते हैं। अच्छा। समूह बना के चलते हैं। समूह बना के चलते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। देखिए निश्चित तौर पे ये गांव के लोग हैं, और ये वही इलाका है जहां मैं मौजूद हूँ। ये ग्राउंड जीरो का इलाका वो है जहाँ लगातार भेड़िए का आतंक जारी है, और अभी भी वन विभाग की टीमें, 11 टीमें लगातार उस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। आज वन मंत्री स्वयं यहां पे आए हुए हैं, वन संरक्षक रेणु सिंह यहां आई हुई हैं, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से 50 गांव के लोग लगातार रात भर जाग रहे हैं, विधायक खुद राइफल लेकर के उन ग्रामीणों के साथ चल रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर में इनको चैन की सांस कब मिलेगी, क्योंकि लगातार भेड़िया एक के बाद एक पे हमला कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़।